हेलो गाइस, मेरा नाम सभ्यजीत सिंह गरेवाल है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग अपनी जो जीपीए है या फिर सीजीपीए है वो वीआईटी में 9 पॉइंट से कैसे ऊपर रख सकते हो। तो इस वीडियो में आप लोग बन सकते हो टॉपर। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो एंड तक देख लोगे तो आप लोगों को पूरे छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बताऊंगा जिसके अंदर आप लोगों को पता चल पाएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ पे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और आपने कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं और क्या क्या गलतियां नहीं करनी ताकि आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो कम ना आए और आप लोग 9 पॉइंटर बन पाओ। तो पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दो बातें बताना चाहता हूँ। मैं मीटअप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो जैसे आप लोग यहाँ पे वीआईटी वेलोर के कैंपस में आओगे उसके एक दो दिन के अंदर अंदर ही मैं आप लोगों के साथ एक मीटअप ऑर्गेनाइज करूंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों से और आपके पेरेंट्स से मिलूंगा ताकि आप लोगों के कुछ जो भी डाउट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ पर्सनली बैठ के वो पूरे सॉल्व कर पाऊं और उसके अंदर आप लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। और दूसरी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मेरा एक सेकेंडरी चैनल भी है सभ्यजीत टॉक्स, आप लोग प्लीज उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। उस पर काफी सारी फाइनेंस और अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर वीडियोज आती हैं तो आप लोगों को काफी हेल्पफुल रह सकती हैं। तो उस चैनल का नाम सभ्यजीत टॉक्स है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको प्लीज जाके चेकआउट करके आना। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ 9 पॉइंटर्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वीआईटी के अंदर। तो अगर आप लोग 9 पॉइंटर हो, 9 पॉइंटर का ये मतलब है कि आप लोगों की जो सीजीपीए है वो 9 पॉइंट से ऊपर है तो आप लोगों को काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि आप लोगों को मिनिमम जो 75% अटेंडेंस मेंटेन करने का रूल है वो 9 पॉइंटर्स के ऊपर बिल्कुल भी लागू नहीं होता। अगर उनकी अटेंडेंस कम भी है 75% से, 50% से भी अगर उनकी अटेंडेंस कम है तो वो एग्जाम्स को दे सकते हैं। अगर आप लोग 9 पॉइंटर नहीं होते हो, अगर आप लोगों के कम सीजीपी बन रही है तो आप लोगों के ऊपर 75% का रूल लागू होता है जिसके अंदर आप लोगों को 75% अटेंडेंस को मेंटेन करके रखना पड़ता है कोई भी एग्जाम्स देने के लिए। कैट 1 होए, कैट 2 होए या फिर फैट एग्जाम होए, आप लोगों को उन सबके लिए 75% अटेंडेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। और अगर आप लोग 9 पॉइंटर हो तो आपके ऊपर ये वाला रूल लागू नहीं होता। दूसरा जो बेनिफिट जो 9 पॉइंटर्स को मिलता है वो ये है कि जब आप लोगों की इस साल जैसे आप लोग फ्रेशर्स बन के आ रहे हो तो आप लोगों को पूरे 1 ईयर के लिए हॉस्टल जो है वो अलॉट होते हैं। तो आफ्टर 1 ईयर आप लोगों के जो हॉस्टल्स हैं वो फिर से चेंज होंगे, आप लोगों के जो रूम्स होंगे वो चेंज होंगे जिसके अंदर आप लोग खुद डिसाइड कर पाओगे कि आप लोगों ने कौन से फ्रेंड्स के साथ रूम लेना है और आप लोगों ने कौन से ब्लॉक में लेना है, एसी रूम लेना है या फिर नॉन एसी लेना है, कितने बेड वाला रूम लेना है, वो सब कुछ आप लोगों की सीजीपीए के ऊपर डिसाइड होता है। अगर आप लोगों की 9 सीजीपीए से ज्यादा है या फिर आप लोग 9 पॉइंटर हो तो आप लोगों को इसके अंदर काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको पूरा एश्योर्ड होता है कि आप लोगों को एसी रूम भी मिलने वाला है और आप लोगों को सबसे अच्छे ब्लॉक्स जो R&Q ब्लॉक है उसके अंदर रूम्स मिल सकते हैं। तो वो काफी अच्छे ब्लॉक्स माने जाते हैं वीआईटी में क्योंकि वो न्यूली बिल्ड ब्लॉक्स हैं। और ऊपर से जो 9 पॉइंटर होते हैं उनको जैसे 6 बेडेड रूम या फिर ऐसे रूम्स भी मिल जाते हैं पर जो 9 पॉइंटर से कम होते हैं उनको ज्यादातर 6 बेडेड रूम्स मिलते हैं या फिर 4 बेडेड। पर अगर आप लोग 9 पॉइंटर हो और आप लोग अकेले भी रहना चाहते हो, आप लोगों को अपार्टमेंट टाइप रूम लेना है तो आप लोगों को 9 सीजीपीए से ऊपर मेंटेन करके रखनी पड़ती है। जैसे ही आप लोगों का सेमेस्टर खत्म होता है आप लोगों की हॉस्टल रैंकिंग निकल के आती है, उस रैंक के हिसाब से आप लोगों को ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप लोग कौन सा हॉस्टल चूज कर सकते हो। और अगर आप लोग 9 पॉइंटर हो तो आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से अपना जो फ्रेंड है वो अपने रूम में रख सकते हो। बाकी अगर आप लोग 9 पॉइंट से कम स्कोर कर रहे हो तो आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोगों का रैंक काफी पीछे आ रहा है, अगर आप लोग मतलब 7 पॉइंटर तक जा रहे हो, 7 सीजीपीए तक या फिर 8 से आप लोगों की कम आ रही है तो आप लोगों का जो होस्टल रैंक है वो शायद से थोड़ा कम आएगा और ऊपर से आप लोगों को नॉन एसी रूम्स मिलेंगे। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों ने एसी रूम्स लेने हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ वीआईटी वेलोर में आप लोगों ने रूम शेयर करना है हॉस्टल में तो आप लोगों ने 9.9 जो सीजीपीए है उससे ऊपर ही मेंटेन करके रखनी है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, आप लोग 9 पॉइंटर कैसे बन सकते हो। तो 9 पॉइंटर बनने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक है, आप लोगों ने जो भी टीचर्स आप लोगों के प्रोफेसर्स हैं वो आप लोगों को जो भी नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं आप लोगों ने वो नोट्स पूरे के पूरे नोट डाउन करने हैं, अच्छी तरह से अपने नोट्स मेंटेन करके रखने हैं क्योंकि अगर आप लोगों के जो नोट्स हैं वो अच्छी तरह से बने होंगे तो आप लोगों को एग्जाम्स में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे वो नोट्स। क्योंकि जो आप लोगों का कैट 2 का एग्जाम होता है वो पूरा ओपन बुक एग्जाम होता है जिसके अंदर आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स लेके जा सकते हो एग्जाम में।
तो आप लोगों को अपने जो नोट्स है वो पूरी अच्छी तरह से मेंटेन करके रखने हैं, और जो क्लास में छोटे छोटे पॉइंट्स प्रोफेसर या फिर टीचर्स आप लोगों को बताते हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरह से नोट करने हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिकली चीजों को करके देखना है। अगर आप लोगों को मैथ्स करवाई जा रही है तो आप लोगों ने उसको प्रैक्टिकली करके देखना है, काफी सारे सम सॉल्व करने हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि आप लोगों को जो कैट के एग्जाम्स होते हैं वो आप लोगों को 1.5 आवर का एग्जाम होता है, उसके अंदर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। तो वो जो पेपर होते हैं वो काफी ज्यादा लेंदी बन जाते हैं अगर आप लोगों की प्रैक्टिस पहले से नहीं हुई होती, क्योंकि आप लोगों का फ्लो नहीं बना होता लिखने में। आप लोग याद तो जल्दी कर लेते हो पर लिखने में फ्लो उतना नहीं होता, तो काफी बार आप लोगों का जो पेपर है वो छूट जाता है, जिसकी वजह से मार्क्स आप लोगों के कम आते हैं। और जो आप लोगों के CGPA जो कैलकुलेशन होती है वो आप लोगों की क्लास एवरेज पे कैलकुलेशन उस होती है, तो वो मैं उसके लिए एक एडिशनल मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को पूरी CGPA कैलकुलेशन बताऊंगा कि CGPA कैसे कैलकुलेट होती है, क्योंकि वो एक काफी लंबा टॉपिक है और काफी ज्यादा मेरे को उसको समझाने में टाइम लग जाएगा। और आप लोगों को मैं 9 पॉइंटर के लिए एक और भी बात बता देता हूँ, अगर आप लोग 9 पॉइंटर बनना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को क्लास के टॉप 20 स्टूडेंट्स में आना पड़ेगा। आप लोग अगर 9 पॉइंटर बन जाते हो तो टॉप 20 स्टूडेंट्स में आप लोग आ जाते हो, जो कि काफी एक अच्छी बात होती है, क्योंकि काफी सारी जब कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं तो उनका क्राइटेरिया होता है कि वो 9 पॉइंटर्स को प्लेसमेंट के लिए बैठने देंगे, फिर 8 पॉइंटर्स को, कुछ ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बारे में अभी मेरे को पूरा पता नहीं है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को आगे वाली वीडियोस में पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कोई मैं प्लेसमेंट के ऊपर वीडियोस बनाता हूं तो उसके अंदर मैं ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब आप लोगों को ये तो मैंने बता दिया कि आप लोगों को 9 पॉइंटर क्यों बनना है और आप लोगों ने कैसे बनना है, क्योंकि अगर आप लोग 9 पॉइंटर बन जाते हैं तो काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, अटेंडेंस का बेनिफिट, तो ये काफी आप लोगों को एक अच्छा पैकेज है कि अगर आप लोगों के 9 पॉइंटर आप लोग बन जाते हैं, 9 CGPA से ऊपर आ रही है, तो काफी आप लोगों के एक प्लेसमेंट अच्छी लगने के चांसेस बन जाते हैं। और ऊपर से आप लोगों को जो एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो तो अलग से ही है, क्योंकि बाकी बच्चों को जब आप लोग देखोगे कि वो 75% अटेंडेंस को मेंटेन कर रहे हैं, रोज क्लासेस आ रही है, कभी कभार अगर बीमार भी होते हैं तब भी उनको क्लास आना पड़ता है क्योंकि उनकी जो अटेंडेंस है वो थोड़ी कम हो रही होती है। वैसे अगर आप लोगों की कोई भी हेल्थ इश्यू आ जाता है, आप लोगों को मेडिकल जो होती है मेडिकल लीव दे दी जाती है, तो वो काफी एक अलग प्रोसेस होता है, पर आप लोगों को कभी बार मेडिकल लीव नहीं भी ग्रांट होती, क्योंकि कभी बार आप लोग झूठ भी बोल रहे होते हो तो वो पूरे टेस्ट होते हैं आप लोगों के डॉक्टर से पूरी की पूरे वो सर्टिफिकेट बन के आते हैं, उससे डिसाइड होता है कि आप लोगों का जो मेडिकल लीव है उसको अप्रूव किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, तो वो काफी एक लंबा प्रोसेस होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि 75% से आप लोगों ने ऊपर ही अटेंडेंस मेंटेन करके रखनी है, और आप लोगों ने ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आप लोगों को 9 पॉइंटर बन जाओ। वैसे अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोगों को बुक्स खरीदनी पड़ेंगी और आप लोगों को बुक्स से पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बुक्स में से इतना कुछ नहीं आता एग्जाम्स के अंदर, जो टीचर्स ने नोट्स लिखवाए हैं उसी के अंदर से पेपर आते हैं, क्योंकि आप लोगों के जो प्रोफेसर होते हैं वो खुद ही जो एग्जाम है उसको सेट करते हैं, तो वो अपने जो उन्होंने क्लास में करवाया उसी के बीच में से जो है पेपर को बनाएंगे, तो उसके अंदर आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, नोट्स को पूरा अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, नोट्स मेंटेन करने हैं, क्योंकि जब आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं आप लोग एक एक दिन पहले अपने जो है नोट्स बनाने शुरू करते हो तो उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, आप लोगों को इतना लर्निंग टाइम नहीं मिलता। तो नोट्स अच्छी तरह से बनाने हैं, क्लासेस में आप लोगों ने पूरा ध्यान देना है, अगर आप लोग 9 पॉइंटर बन भी जाते हो तब भी आप लोगों ने जो क्लासेस है उसको रेगुलरली अटेंड करना है, आप लोगों ने क्लासेस को छोड़ना नहीं है कि अब मेरे को अटेंडेंस मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने जो अपनी अटेंडेंस है उसको पूरी अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मैंने आप लोगों को मीटअप के बारे में बता ही दिया है अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में, और अब मेरा जो सेकेंडरी चैनल है सबेजी टॉक्स, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार उसको भी जाके चेकआउट करके आओ। और आप लोगों को अगर VIT के रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए और कुछ एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस चाहिए और काफी आप लोगों को इस चैनल पे और भी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जाते जाते प्लीज गाइज लाइक करके जाना, क्योंकि वो एक एज अ बूस्टर काम करता है कि मेरे को और भी वीडियोस बनाने का मन करता है अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो, तो जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज कर देना। बाय गाइज।